नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ द कर्व रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज आर कर ऑफ द रोड इज बी द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज बाय एच विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज सो दैट द कार विद वेलोसिटी वी कैन पास सेफली ओवर इट सवाल है वैल्यू ऑफ एच कितनी होगी नाउ स्नैरियो ये है कि ये आपकी मान लीजिए कर्व रोड है ऐसे और इस पे ऐसे आपकी कार जा रही है ये उसके टायर और यहाँ पे आपकी वी वेलोसिटी है और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके रोड की यहाँ पे अपने को वर्थ जो है वो बी दी हुई है ना इसी का अगर हम साइड व्यू या इसका वो व्यू देखेंगे तो स्नैरियो ये है कि ये आपकी रोड ऐसे बनी हुई है ये एंगल थीटा होएगा ये आपकी एच हाइट है बी आपकी वर्थ है और कार ऐसे जा रही है यह आपकी कार है इस कार की वी वेलोसिटी इस बार क्रॉस है अब आप कार को पीछे से देख रहे हैं और ये आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है यह आपका सेंटर हो गया ये रेडियस आर है ना इस केस में हम रिलेशन यूज करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि टेन थीटा जो आपका बैंकिंग एंगल है दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी ये कहाँ से आया इसको हम थ्योरी में डिराइव कर चुके हैं बट टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हमें बतानी है वैल्यू ऑफ एच क्या होगी ना यहाँ पे अगर टेन थीटा को इस उसे ट्राइंगल से, से देखें हम तो इस टेन थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एच डिवाइडेड बाय बी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी नाव विच एम्प्लाइज बी को अगर मुदर ले जाएं तो एच की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय आर जी ये आपका एच का रिज एच की वैल्यू आ जाएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं ऑप्शन नंबर वन वी स्क्वायर बी बाई आर जी वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया